पाइपलाइन कहाँ लगेगी और कैसे चलेगा, कौन सा रेगुलेटर यूज होगा। तो आज हम ये बताने जाएंगे कि इसमें कैसे कैसे इसको इंस्टॉल करा जाए, किस तरीके से इसको चालू किया जाए। तो बेसिकली मैं पहली चीज़ तो आपको चाहिए होगा गैस पाइप और रेगुलेटर, इसको हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। तो पाइप ये एक LPG का भी हो सकता है, गैस सिलेंडर जो भारत गैस वगैरह आते हैं वो, और यही रेगुलेटर चाहिए होता है नॉर्मल, हाई स्पीड प्रेशर नहीं चाहिए होता, हाई स्पीड नहीं चाहिए होता। सो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं आप स्टेनलेस स्टील इसकी प्लेट, इसको हम ओपन करेंगे। छह नट हैं यहाँ पे, तो ये हमारा पैनल। सो ये आपको देखने को मिल रहा है पैनल यहाँ पे, आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे हमने इधर से पीछे से पाइप लगा दिया, और ये हमारा पाइप क्या करना है, इसको जस्ट सिंपली इसके अंदर इंसर्ट करना है, इसके अंदर इंसर्ट करना है, राइट। अब ये ज़्यादा हैवी वर्क है नहीं, पर लेकिन इसको घुसाने से पहले हम लोग ग्लव्स यूज करेंगे। सो हमने ये ग्लव्स यूज कर लिया, रीजन बिहाइंड कल को इस धार से, ये धार देख रहे हैं या ये धार दे रहे हैं, कटे ना उससे, तो हमने ये पाइप यूज करा ऐसे। ये हमने पाइप यहाँ पे देखिए फिट कर दिया, इसे हम और भी ज़्यादा फिट कर सकते हैं अभी थोड़ा प्रेशर लगा के, अभी जस्ट वीडियो बना रहे हैं इसलिए हम लोग ये थोड़ा सा लगा रहे हैं। यहाँ पे क्लिप भी लगा सकते हैं आप, ताकि कोई लीकेज की कोई चांसेस ना रहे। ये हमने लगा दिया, ये पाइप लाइन रहा, ये रेगुलेटर, और ये रेगुलेटर अब जाएगा सिलेंडर में, अभी हम लगाते हुए दिखाते हैं। एक मिनट रुकना, अभी प्लग मत लगाओ। तो ये रेगुलेटर हमने सिलेंडर में लगा दिया। राइट, अब सिलेंडर हम साइड कर दो, सिलेंडर साइड कर दो, इस साइड और साइड और उस साइड भी। अब एक वायर देख रहे हैं आप, वो लग रहा है, उसको हम लगाएंगे प्लग में। अब आप लोग पूछते हैं, एक मिनट, आप लोग पूछते हैं कि गैस डेक ओवन में इलेक्ट्रिक का क्या काम है, इलेक्ट्रिक की क्या काम करता है, लगाओ इसे। अब गैस जो काम करता है और इलेक्ट्रिक क्या काम करता है मैं बताना चाहूँगा। देखिए, लाइट लगाते के साथ ही बल्ब जल गई ओवन में, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल चलने लग गया, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं जो ये काम करते हैं, कब इग्निटर चलना चाहिए, कब सिलेंडर चलना चाहिए, कब क्या होना चाहिए, सारा कुछ ये बताता है।
सॉरी इलेक्ट्रिक के कारण ये फंक्शन करता है। ब्लोअर चलाने के लिए इलेक्ट्रिक चाहिए, बट लेकिन फ्लेम जो अंदर फ्लेम जलती है, जो यहाँ पे फ्लेम जलती है, आग जलेगा जो, जो ये आग जली, इसको चाहिए होता है गैस। सो इसलिए ये गैस ओवन होता है। और इलेक्ट्रिक ओवन में फर्क मैं बताता हूँ, गैस और इलेक्ट्रिक में डिफरेंस क्या होता है। ये है गैस ओवन, ये देख रहे हैं गैस से जल गया, और इलेक्ट्रिक चाहिए होती है फंक्शन के लिए। बट इलेक्ट्रिक ओवन में क्या चाहिए होता है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक चाहिए होता है। ये हीटर लगे हुए हैं इसमें, वैसे ही नीचे हीटर लगे हुए हैं, बस सिर्फ एक इलेक्ट्रिक चाहिए होता है इसके लिए, इसके लिए गैस सिलेंडर नहीं चाहिए होता है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक ओवन, इसलिए ये गैस ओवन, बट गैस चाहिए होता है सिर्फ फ्यूल के लिए, फंक्शनिंग के लिए हमें इलेक्ट्रिक चाहिए होता है। ये जो इलेक्ट्रिक है बहुत ही कम यूज़ करता है, बहुत ही ज़्यादा इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक ओवन। सो ये है हमारा आज का टॉपिक जो मैंने अभी क्लियर कर दिया, गैस ओवन और इलेक्ट्रिक ओवन में डिफरेंस क्या है। अभी इंस्टॉलेशन कर दिया हमने, रन चालू कर दिया हमने, ठीक है, और फंक्शन है, मैं आपको अभी भी बता दूँ, साइड में खड़ा ना, थोड़ा और पास राइट, स्माइल को कर दो, बस। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए YouTube पे सर्च करें अरोमा बेक इक्विपमेंट्स एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।